हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ ऑन रिकॉर्ड मैन। आज हम आपको दिखाने वाले हैं मॉडिफाइड ऑल्टो। ऑल्टो आपने बहुत देखी होगी पर ऐसी शायद ही कहीं देखी होगी। तो आप देख सकते हो ऑल्टो K10 है ये, जो K सीरीज आई थी। तो इसको भाई ने मॉडिफाई कर रखा है। अब ये कौन सा मॉडल है, क्या कुछ, कितना काम करवा रखा है, कितने पैसे लगाए हैं और कितना लीगल है सब भाई से बात करेंगे और आपको बताएंगे। तो ये गाड़ी है हमारे सचिन भाई की। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई जी। बाकी भाई थैंक यू ये गाड़ी लेकर आने के लिए। मुझे बड़ी चाह थी कि इसकी वीडियो बनाए क्योंकि ऑल्टो जैसी गाड़ी को इतना ज़्यादा इसमें पैसा जनरली बंदे लगाते नहीं है। आप ये बताओ कि क्या कुछ डिसीजन बना कि ऑल्टो ही लेकर इसको तैयार करेंगे? ऑल्टो के पीछे पहले 3-4 साल से पड़ रखा था। हाँ, पर ये है कि जितनी ऑल्टो मॉडिफाइड होकर अच्छी लगती है ना, इतनी कोई गाड़ी अकेला बंदा चलता है, कंफर्ट है, सब चीज है। हाँ, अच्छा है एवरेज, सबसे बड़ी बात है एवरेज अच्छा है। हाँ, पेट्रोल ले लो, सीएनजी ले लो। लोग बोलते हैं कि स्विफ्ट से अच्छी कोई मॉडिफाई नहीं हो सकती। स्विफ्ट मॉडिफाइड अच्छी लगती है। सबका अपना अपना एक टेस्ट है, जिसका जैसा हो। अपनी थिंकिंग है कि अगर आपके पास स्विफ्ट है तो आप स्विफ्ट को भी अच्छा मॉडिफाई कर सकते हो, अगर अल्टो है तो अल्टो को भी कर सकते हो। तो भाई हमारे चीजें मिलनी चाहिए। हाँ भाई, हमारे फरीदाबाद से है ना, फरीदाबाद से। तो ये नंबर DL9C का क्या क्या कहानी है? तो द्वारका का नंबर है। मैंने गाड़ी ली थी किसी से सेकंड हैंड। ठीक है, सिर्फ मॉडिफाइड करने के पर्पस से ली। मतलब ये आपकी प्रोजेक्ट कार है? हाँ, प्रोजेक्ट कार का बस शॉर्ट मान लो। हाँ, बोलते हैं ना शॉर्ट, इसमें मॉडिफिकेशन करते हो। और भी गाड़ियाँ आपके पास? हाँ गाड़ियाँ हैं और भी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सिर्फ मेरे पास रहती है मॉडिफाइड की। अच्छा, बस कम चलती है। ठीक है, तो कितने की लेकर आए थे? मेरे को 340 कुछ की पड़ी थी। 340 की? हाँ, क्या मॉडल है ये? CNG फिटेड है, 18 लास्ट एकदम। 18 लास्ट CNG कंपनी फिटेड है? कंपनी फिटेड है। ऑन नहीं, लगी बाद में है। अच्छा, बट फिटेड शोरूम से। अच्छा, तो ऑन पेपर भी होगी? ऑन पेपर है सारी चीज। ऑल्टो K10 है ये, राइट? 1000 सीसी इंजन में आती है। तो भाई मॉडिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे ज्यादा अच्छी जो लुक गाड़ी की बना रही है वो है अलॉयज इसके। तो आप देख सकते हो वॉसन के यहाँ पे अलॉयज मिल जाते हैं हमें। नहीं, ये वॉसन के नहीं है, ओरिजिनल तो नहीं होंगे ये। कटोरी चेंज हो जाती है, कैप लगा रखी है, कैप चेंज हो जाती है। कैप वॉसन ओरिजिनल तो बहुत महंगे आते हैं। तो ये इंडिया के अंदर मिलेंगे भी नहीं, मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये कितने के पड़े आपको, कितने इंच है पहले ये बताओ? भाई ये 15 इंच है मेरे। 15 इंच का टायर है इसमें, लो प्रोफाइल्ड है। हाँ, ये मेरे को ओवरऑल 35,000 के अराउंड पड़े थे मेरे को चारों। हाँ चारों। और कंपनी से कितने आते हैं? 13 इंच आते हैं, 14 इंच आते हैं? 13 इंच आते हैं इसमें। तो आपने इसमें 2 इंच बढ़ाया? 2 इंच बढ़ाया। आप देख, 2-3 अलॉय चेंज करवा दिए। तो 2-3 अलॉय चेंज, 14 करवाए, फिर 15 करवाए, फिर दोबारा 15 करवाए। रीजन पहले मैंने 15 करवाए थे। हाँ, उसमें टायर की प्रोफाइल मोटी थी तो कटिंग में देख सकते हो प्रॉब्लम आती थी। हाँ, ये आपने कटवा रखी है क्या? नहीं, ये एक्चुअली में क्या, उसी टायर से मैंने मुड़वाई थी अंदर। अच्छा, ये मैंने सीधी नहीं करवाई। अच्छा, हाँ, फिर उसका मैंने 14 डलवाया, 14 कुछ ज्यादा छोटे लगते थे, फिर दोबारा 15 डलवाया लो प्रोफाइल टायर। अब यहाँ आपके लो प्रोफाइल आप देख सकते हो। हाँ, ऐसा नहीं है कि इसमें एयर प्रेशर वगैरह कम है, इसकी प्रोफाइलिंग ही कम है, प्रोफाइल ही कमी है। तो ये कौन सी कंपनी के टायर है? कैनेडा के टायर है भाई, कैनेडा के टायर हैं। हाँ, अब तो ये जल्दी से मिलते नहीं है लोगों को। कैनेडा के ह्यूंडई देती है, क्रेटा वगैरह में कैनेडा के टायर आ जाते हैं, कंपनी से आते हैं, बाहर से नहीं, बाहर से नहीं मिलते। ठीक है, राइट। तो आप देख सकते हो कि बॉडी से कितना ज्यादा ये बाहर निकल रही। तो ये गंदी तो बहुत ज्यादा होती हुई, जैसे अभी बारिश, अभी आप धुलवा के लेकर आए थे ना? धुलवा के लेकर आया था, गंदी भी होगी थी। हाँ, तो कपड़ा मारता था, वापस कपड़ा मारा। तो ये एक ये दिक्कत तो रहती होगी इन टायर्स में, बहुत जल्दी गंदी हो जाती होगी, छींटे बहुत जल्दी, मिरर और ये शीशे वगैरह सब पे आ जाते हैं। जबकि ज्यादा बारिश हुई नहीं, फिर भी बहुत जल्दी जल्दी साफ करवानी पड़ेगी, क्योंकि तो उड़ता है इसका, क्योंकि गाड़ी से जो प्यार करता है फिर वो साफ सुथरी गाड़ी पसंद करता है। मॉडिफाई करते हैं ना, नीट एंड क्लीन ही अच्छी लगती है। हाँ, नीट एंड क्लीन अच्छी लगती है। तो ये काम तो पड़ जाता है, देखो शौक पाला है तो फिर करना तो पड़ेगा भाई। आप कोई कुत्ता भी ले लो, उसकी भी देख रेख करनी पड़ेगी, और ये गाड़ी है इसकी भी देख रेख। ये तो गाड़ी एक बोल लो कि ये तो पाँव है आपके, आप इसमें बैठ के इसकी आप देखभाल करोगे तो ये आपको खुश रखेगी। गाड़ी कहीं से गुजरेगी, साफ सुथरी होगी, तभी नजर पड़ती है लोगों से। राइट, तो ये ग्रिल तो कंपनी से नहीं आती, ये वाली सिल्वर मैंने आफ्टर मार्केट ग्रिल लगवा रखी है। हाँ, है तो ये फाइबर ही ना? फाइबर ही है। हाँ, पर ये क्रोम कलर में आता है, क्रोम में आता है, ये मैंने डीपेंट करा रखा है ग्रिल कलर में। अच्छा, ये आपने पेंट करवाया? ये फिक्स होता है, डबल टेप से फिक्स होती है। अच्छा, ये नंबर प्लेट फ्रेम, ये फ्रेम, और मैंने ये लाइट कवर। तो ये इसमें कितना खर्चा आ गया था? तो रात में कैसा रिस्पॉन्स है फिर लाइट का? खूब बढ़िया। हाई बीम पे अगर चलाते हो तो आंख वाँख फोड़ देती होगी, तो सामने वाला बंदा
फ्लैश करता है कि लाइट कम करो, धीरे कर ले। एक बार लाइट जला कर दिखा दो भाई, लाइट लाइट इसकी मेरे को बहुत अच्छी लगी, आपने सिनेमैटिक में देख ही लिया होगा, बट ऑल्टो में ऐसी लाइट्स। अच्छा फॉग लाइट नहीं चलेगी क्या? चलेगी बट एक तरफ का प्लग खराब होगा। अच्छा अच्छा, तो ये कुछ ऐसी लाइट आ रही है, बिना स्टार्ट करे जल जाती है ये? हाँ, बिना स्टार्ट करे जल। तो इसमें बैटरी वैटरी कोई दिक्कत नहीं होती? अभी तक तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बैटरी लो हो जाए? नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। एलईडी में नहीं होती, वो एचआईडी में होती है। अगर एचआईडी में आप चालू छोड़ दोगे 10 से 15-20 मिनट भी तो बैटरी डाउन कर देगी, बट एलईडी में ऐसा नहीं। और बाहर से ये भाई ने पट्टी खिंचवा रखी, ये अभी खिंचवाई है भाई, बता रहे थे लोगों ने, क्योंकि लोगों जो पहले थी वो ग्रे कलर की करा रखी थी मैंने। हाँ, तो वो व्हाइट पे ज्यादातर लोग ब्लैक कराते थे। हाँ, ब्लैक कराते थे, ग्रे वाली कॉपी करने लगे। मैंने अब करो दोबारा से कॉपी, तो मतलब कॉपी वाली की वजह से आपने चेंज करा दिया, था सेम ही, बस कलर चेंज करवाई है? नहीं, वो डिजाइन ही डिफरेंस था। अच्छा, डिजाइन अलग था, थोड़ी पट्टी और साइड में डबल पट्टी। अच्छा अच्छा, डिजाइन था, आपने तीन पट्टी करवा दी। हाँ, और कलर भी चेंज करा। और भाई ये डुग डुग क्या है? जनरली लोग बुलेट पे लिखवाते हैं, तो आपने गाड़ी पे क्यों लिखवाया? गाड़ी नाम दे रखा है ये। अच्छा, फैमिली वालों ने गाड़ी का नाम दिया है? फैमिली वालों ने गाड़ी का नाम दिया। तो इसका मतलब डुग डुग इसका नाम है? क्योंकि मेरे जितने भी वीक ऑफ पड़ते हैं जॉब से, हाँ, तो मैं गाड़ी लेके निकल जाता हूँ सुबह का, कहते हैं पूरे दिन बस डुग डुग लेके हांडता रही हूँ। तो भाई के भाई ने अपना नाम यहाँ पे लिखवा रखा है सचिन। ये भी पेंट हो रखे हैं, ये डोर्स पेंट हो रखे हैं। हाँ, ये ब्लैक आते हैं, ये ब्लैक आते हैं, ये मेरा ब्लैक आते हैं, ये पेंट हो रखे हैं। इसमें रिले वगैरह लगाने का नहीं सोचा भाई? नहीं, क्योंकि वो कुछ टाइम बाद है ना, आफ्टर मार्केट वाले कुछ टाइम चल के ही खराब हो जाएंगे। हाँ, और फिर बेनिफिट भी नहीं है उसका। अगर मैं बात करूँ एक तरह से इंडिकेटर वाले लगवा भी लूँ तो फिर ज्यादा इंडिकेटर, क्योंकि एक साइड ये भी मिल रहा है, फिर ये भी मिल रहा है, फिर इतना इंडिकेटर ठीक नहीं है। ठीक है, मतलब बाहर से इतना ही है, अलॉयज मेन अट्रैक्शन है गाड़ी के, बाकी ये देखो अलॉय होगी, पट्टी होगी, ये दोनों अट्रैक्ट ज्यादा करते हैं। हाँ, बाकी अलॉय लाइट और ये बॉडी लाइन मैंने हटा दिया, अलॉय लाइट अभी भी लग रही है, बॉडी लाइन जो थी लाइटिंग वो हटा दी। भाई एक बार डिक्की खोल के दिखाओ, आपको पता है ऑल्टो में कितना स्पेस आता है, उस इसमें ऊपर से सीएनजी भी लगी हुई है, तो इसमें स्पेस देख लो, कुछ भी नहीं बचता। पर जो शौक करने वाला बंदा है ना, वो लिमिटेशंस पे नहीं रुकता। देखो भाई ने पीछे वाली सीट पूरी कंज्यूम कर दी, मतलब आप दो ही चल, मतलब दो ही लोगों के लिए गाड़ी बना रखी है क्या? टू सीटर भाई है, दोनों ही चलते हैं बस, ज्यादा नहीं चलते और ज्यादा बैठाते भी नहीं गाड़ी में हम। नहीं, वैसे भी सीएनजी का लोड है, ऊपर से इतना भारी सिस्टम लगा रखा है, अलॉय पे इतना लोड। फिर अलॉय पे नहीं, एक्चुअली मैं कह रहा हूं यहां पे गुटके लगवा रखे, मैंने डबल गुटके लिफ्ट करा रखे हैं ये। अच्छा, डबल गुटके लगे हुए हैं? ये रहे ब्लैक कलर के डबल गुटके लिफ्ट है ये। तो भाई ये झूले तो बहुत मारती होगी? नहीं मार सकती झूले, क्योंकि मैंने आगे से भी लिफ्ट करा रखा, अगर मैं आगे से लिफ्ट नहीं करा तब झूले मारती है। अच्छा, तो इसमें अगर आगे भी कुशन बफर लगा रखे हैं? मैंने नहीं, पीछे लिफ्ट है, यहाँ पर प्लेट लगती है आगे शॉकरों में। अच्छा अच्छा, आगे बोनट के अंदर। हाँ, वो शॉकर के यहाँ पे के जो क्लिंप होती है। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे आप देखोगे तो हो सकती है, अगर मैं भी मैं दिखाने की कोशिश कर सकता। तो भाई मतलब कट वट मारने पे ऐसा नहीं लगता कि गाड़ी थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है? आउट ऑफ कंट्रोल आज तक तो गई नहीं, ना झूलती है गाड़ी। ये देखो ये डबल प्लेटें भरती है, ये प्लेटें भर जाती है यहाँ पे। अच्छा, ये लगवा रखे हैं आपने तो बाकी फिर, लेकिन कंफर्ट में तो भाई फर्क पड़ा होगा? नहीं, एक्चुअली में क्या है, एक तो लो प्रोफाइल टायर है। हाँ, जब कभी ज्यादा तेज चला रहे हो धच्चियों में जाएगी ना, हाँ, तब पता चलता है कि हाँ धच्चियों में जा रही है, क्योंकि एक तो इन टायरों में प्रेशर नहीं बनता धच्चियों लाइक, तो फोर्स पता चलता है कि हाँ धच्चियों में जा रही है। ओके, मतलब अंदर पता लगता है पूरा? नहीं, मैं ये भी नहीं कह सकता पूरा पता लगता है, डिफरेंस है दोनों में, कंफर्टेबल तो खत्म है, बट जो बोलते लोग बिल्कुल खत्म है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है, उतना कंफर्ट खत्म नहीं है। तो जैसे इसमें जो है प्रोफाइल इसकी कम है, और कंपनी से जो आते हैं उसकी प्रोफाइल ज्यादा होती है, ठीक है, तो उसमें क्या है जो चौड़ाई होती है टायर की, तो एब्जॉर्ब भी करते होंगे वो शॉक को। हाँ, तो इसमें वो चीज कंफर्ट वहाँ खत्म होता है, जैसे मैंने गुटके लगवा रखे हैं, अगर मैं वहाँ हार्ड स्प्रिंग डलवा देता हूँ तो स्प्रिंग का पंप नहीं करेगी, दबेगी नहीं, वो दबेगी नहीं, और अभी मैं अगर दिखाऊँ तो ये दबेगी, ये दबती है, तो कंफर्ट खत्म। तो भाई बाहर से तो आपने देख ली गाड़ी, एक बार अंदर लेके चलते हैं गाड़ी के, ठीक है, और इंटीरियर चेक करो गाड़ी का, भाई से पूछते हैं क्या क्या काम करवा रखा है अंदर। तो पूरा रेड इंटीरियर करवा रखा है, और पीछे मैंने आपको दिखाया ये क्या, कितने इंच का है भैया ये बूफर? भाई ये 12 इंच है, 500 RMS के दो बूफर है, बल्क ऑडियो के, बल्क ऑडियो के 500 RMS। तो इसमें इसको चलाने के लिए अलग से कुछ बैटरी वगैरह चाहिए होती है? नहीं, क्या? नहीं नहीं, इसके लिए हमने कोई बैटरी एक्स्ट्रा नहीं डलवा रखी है, जो हमारी ये गाड़ी में आती है इस पे चल रही है। हाँ, उसी से लो वगैरह होने की कोई प्रॉब्लम नहीं आई? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम। बहुत अच्छी बात है। और एम्प वगैरह कितने लगे हैं? एम्प दो एम्प लगा रखे हैं अभी मैंने, एक 4 चैनल सीट के नीचे है, उससे क्या मोनो इसके नहीं है। अच्छा, 4 चैनल से जो अपना चल रहा है, 4 मिड चल रही है 100 RMS की, 2 ब्लड ट्विटर्स चल रहे हैं, ये ट्विटर्स है। हाँ जी,
ठीक है, मिड इसके अंदर डाले हुए हैं, मिड इसके अंदर डाले हुए हैं, ठीक है ठीक है। चार मिड्स, अच्छा ऊपर ऊपर वेलवेट टच, वेलवेट पूरा करवा रखा है, पूरा पूरा रेड। अच्छा इंटीरियर में कितना खर्चा आ गया आपका? इंटीरियर के अगर मैं खर्चे की बात करूँ, मेरी पूरी गाड़ी डैम्प है, डिग्गी डोर, अच्छा पूरी डैम्पिंग करा रखी है, डैम्पिंग करा है, पूरा मिला के मेरे को 35 के अराउंड खर्चा आ गया था, डैम्पिंग प्लस ये इंटीरियर। हाँ, इंटीरियर और डैम्पिंग दोनों। अच्छा आ जाओ अंदर, आ जाओ एक बार। और ये स्क्रीन एंड्रॉइड लगवा रखी होगी आपने? एंड्रॉइड है जी। तो ये 32 कौन सी कंपनी का? हाइपरसोनिक है तो चाइनीज ही होती है सारी, ऐसा कुछ नहीं की हाइपरसोनिक में ये वो। कैसा है रिस्पॉन्स? कैसा है इसका रिस्पॉन्स? काफी स्मूथ है इसका। अच्छा लैग नहीं मारता? नहीं लैग तो मारता है, जब कभी जैसे ऑन करोगे ना तो ऑन होने में थोड़ा टाइम लेता है बस, उससे ज्यादा वो हर एक ब्रांड का लेगा आपका। ऑन हो जाने के बाद कोई लैग नहीं मारता? कोई लैग नहीं है, कुछ नहीं है। 32 है ये, है ना? 32 है। और इसमें क्या एम्बिएंट लाइटिंग लगवा रखी है? एम्बिएंट लाइटिंग है, एटमॉस्फेयर लाइट लगी हुई है आपकी इसमें। अच्छा ये सारे दरवाजों में लगा रखी? हाँ। तो रात में तो बहुत अच्छी लगती होगी भाई ये, रात में भी विजिबल बहुत काफी अच्छी होती है। अगर मैं क्लिप वगैरह दिखा भी दूंगा, आप जैसा देख सकते हो। अगर हमें मिले तो हम डाल देंगे नीचे से पूरा देख। ये एटमॉस्फेयर लाइट लगा रखी है, ये एम्बिएंट लाइट लगा रखी है भाई। इसको बढ़ाकर यहाँ तक लगवाते ना बढ़िया लगती है। यहाँ पे ओपन होता है ना, फिर लग नहीं सकता ना यहाँ पे, वो तो चिपकाते होंगे ना इसको? तो नहीं, ये सिर्फ फंसती है, ये चिपकती नहीं है, ये फंसती है देखो इस तरीके। ओहो, से अच्छा अच्छा। ये हाँ, पर चिपका भी तो सकते हैं, जगह तो है अपने पास। चिपकाने पे वो फेविक्विक के निशान रह जाएंगे, इन फ्यूचर आप छुटाओ छुटाना चाहोगे तो निशान रह जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये ट्यूबेटर्स लगा रखे हैं? पंक ऑडियो के ही हैं, पंक ऑडियो के हैं। मिड और बूफर जो है वो बल्क ऑडियो के हैं। भाई म्यूजिक सिस्टम में कितना खर्चा कर दिया ये बताओ भाई? अब जो लेटेस्ट लगाया है म्यूजिक सिस्टम, अभी अपग्रेड करा है ये? अभी अपग्रेड करा, हो गए से 15-20 दिन हो गए। ठीक है, इसमें कितना पैसा लगा दिया? इसमें भाई लग गया होगा मेरा लमसम, पुराना और ओल्ड लगा के नए वाला? नए वाला सिर्फ, दोनों ही बता दो। पैसा तो लगा है टोटल भाई, दोनों मिला के 70-80 हज़ार से ऊपर चल गया, 80 हज़ार रुपए। और इसकी बात करूं मैं तो जो अभी गाड़ी में है फिलहाल जो ये है, ये जनरली बात करूं तो 35,000 रुपए एम वगैरह हर चीज से पड़ेगा। 35,000? देखो यहाँ पे कोई झूठ वाली बात नहीं है, 35,000 रुपए लगे तो लगे हैं। तो टोटल गाड़ी में खर्चा अगर मैं बात करूं तो कितना आ गया? कर दिया आपने 340 की गाड़ी ली ना आपने भाई? 340 की ली है। हाँ, और आप कितने की पड़ गई है भाई? ये कितने की पड़ गई है मत पूछो, मतलब जितने की गाड़ी उतना तो लमसम, कोई हिसाब नहीं, कोई हिसाब नहीं है। देख लीजिए होती है शॉक की कीमत, शॉक है। अगर मैं एवरेज आईडिया निकालूं तो कुछ चीजें छूट भी सकती है, कुछ चीजें हट भी सकती है। तो ओवरऑल बात करी जाए तो अब मेरा कम्प्लीट होके लग गया 2-2.5 लमसम, 6-6.5 लाख रुपए लग गए रहे है ना, मतलब नहीं 2-2.5 और पूरा मिला के 6-6.5। लोग बोलते हैं कि इतने में स्विफ्ट ले लेता, अदर ले लेता, पर वो भीड़ से अलग नहीं बनती ना भाई। बेस मॉडल लेते फिर उसे भी कह रहे 2-2.5 लाख रुपए भाई, वो भीड़ से अलग नहीं बनती ना जो ये बन रही है। और न्यू गाड़ी लेने में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती लोगों के लिए, लोग जो मॉडिफाई का सबका शौक रखते है ना, वो नई गाड़ी ले सकते हैं, लेना इजी है। बट क्या है कि वो ले लेंगे, फिर नई गाड़ी के जब पैनल वगैरह खुलेंगे तो वो थोड़ा आवाज करते हैं, लॉक वगैरह बहुत जल्दी टूट जाते हैं। ऐसे दिक्कत इसमें आई है भाई? मेरे को अभी तक तो प्रॉब्लम नहीं है, बट कभी कभी हो जाती है कि नट वगैरह या लॉक वगैरह ढीले हो जाते हैं, क्योंकि चीजें खुलते तो देखो ढील हो जाती है। अच्छा ये बताओ रोड पे कैसा रिस्पॉन्स है, लोग देखते हैं इस गाड़ी को? रोड पे रिस्पॉन्स बताऊं तो मुड़ मुड़ के देखते हैं। ऑल्टो ही ज्यादातर देखते हैं। आप एक बार स्विफ्ट लेके निकलो और इसे लेके निकलो, फर्क पता चल जाएगा दोनों में। ऑल्टो आपको ज्यादा मिलेगा क्योंकि अगर बताओ ऑल्टो के शौकीन बहुत ज्यादा हैं। स्विफ्ट में आपको अलॉय बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, अलॉय या मॉडिफाइड में देखने को मिल जाएंगे, ऑल्टो मैंने भी रेयर ही देखी है। ऑल्टो फैमिली कार हो जाती है। बाकी भाई एक बार इसका सिस्टम सुना दो, ठीक है क्या है, कितना कैसा रिस्पॉन्स है, बढ़िया सा गाना चलाओ। भाई मुझे एक बात बताओ, मेरे कान में अभी दर्द होना शुरू हो गया, तो इतना भारी सेटअप ये तो कभी कभी चलाने के लिए होता होगा ना? हम डेली यूज करते हैं इसे, डेली से यूज करते हो? कितने साल हो गए आपको सुनते हुए इतना भारी सेटअप? भाई लाउड म्यूजिक एक्चुअली में क्या हमारा काम भी डीजे का है। हाँ। तो आदत सी हो रखी है थोड़ी लाउड सुनने की, पर बंद गाड़ी में तो यार बहुत ही ज्यादा। बेस कंट्रोल कर लिया, बेस का टेस्ट जैसा चाहिए होता है यहाँ पे कंट्रोलर लगा रखा है रिमोट से। अच्छा
हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। यूजुअली तो कम रखते, इतना ज्यादा तो नहीं सुनते होगे मेरे, जब गेड़ी मारनी होती है तो इतना ही चलता है। तो शीशे डाउन करके बढ़िया, हाफ हाफ दो दो इंच शीशे डाउन सिर्फ आगे के। अच्छा तो भाई, और वैसे ये लोकल एरिया में तहलका मचा रखा गाड़ी ने, इतना है मतलब फेमस है, और फेमस है वहाँ, फेमस है गाड़ी में, फेमस है वहाँ। और भी गाड़ियां हैं सेंटर वगैरह जिन्होंने कंप्लीट नहीं बनवा रखी है, सिर्फ अलॉय वगैरह करा लिए और सिर्फ 4 मिनट लगी हुई है। आवाज भी अच्छी है मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग, बूफर भी बहुत बढ़िया वाला है। अब ये बताओ, ये सारे काम के बाद और कुछ प्लान है इस गाड़ी में या कंप्लीटेड है? जो ये सिस्टम लगा हुआ है ना, ये पूरी पावर नहीं दे रहा मेरे। अच्छा, ये अगर मैं बात करूं जो इसकी एक्चुअल पावर है ना, उसमें से 40% बच रहा है बस। भाई क्या करके मानोगे अब इसको? नहीं, ये अभी एक्चुअल में नए बूफर है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ तो रमा होने में भी टाइम है। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या इसमें? अच्छा, बूफर होता है तो देसी बूफर है, रमा होने में टाइम लगता है इनका। अच्छा, और सारी कहानी ये है कि इनकी जो सेटिंग है ना, मैंने पैरेलल सेटिंग दे रहे हैं, एक ही से दो बूफर, एक ही चैनल से दो बूफर चल रहे हैं। तो ये मतलब बेसिकली पहली गाड़ी आपकी जो आपने मॉडिफाई करी है? नहीं, इससे पहले करी है, बट वो यार दोस्तों के उस पे इतना कॉल नहीं है। अच्छा, खुद की अपनी अभी करी है। अच्छा, ये पहली गाड़ी आपने कहा लेनी है, ऐसी करनी है कि लोग देखें। तो मतलब इसी को रवा करोगे या और भी सेटअप बढ़ाने का प्लान है अभी इसमें? नहीं, अभी इसमें तो जैसे जैसे देखो बढ़ेगा सेटअप, चीजें चेंज होंगी। अभी एलईडीज आगे, अभी मैंने लगवाई है नई एलईडीज 2-3 महीने पहले इनका पैसा वसूल कर लूं, फिर जाके इसमें प्रोजेक्टर लगा के एलईडी ट्रांसफर करा। नहीं तो भाई, डीजे के काम से इतना पैसा आ जाता है क्या? इतना मॉडिफाइड करके जॉब भी है ना? अच्छा अच्छा, बाकी आपको गाड़ी कैसी लगी कमेंट करके बताना। स्कूटर वगैरह, पीसीआर लाइट सब चीज लगा रखी। नहीं भाई, मैं प्रमोट नहीं करता, अपना जिसको पसंद हो वो लगाए, ठीक है, चलो दिखा दो, लेकिन मैं प्रमोट नहीं करता भाई। अब आप देख लो, आप अपने रिस्क पे लगवा सकते हो, शौक है तो। बाकी इतना ही था आज की वीडियो में, एक बार हूटर की आवाज़ सुन लेते हैं फिर एंड करते हैं। बहुत तेज है भाई अभी तो। भाई इतना ही था आज की वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट करके जरूर बताना, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। भाई इंस्टाग्राम हैंडल बता दो अपना, पंडित सचिन गौतम। जिसको गाड़ी अच्छी लगी हो और कुछ देखना हो तो जाकर फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हो जाकर भाई के अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। बाकी एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।